जो लोग इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं या पढ़ने आ रहे हैं वो लोग तो लाजमी चैनल सब्सक्राइब करें। अरे भाई इकरा वाले तो करें ना। अस्सलाम वालेकुम। तो आज वालेकुम अस्सलाम मियां साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक। वैसे मैं आपको नहीं कह रहा था। अच्छा अच्छा और हम पढ़ते हैं इकरा यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में। आज आपको इकरा यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस दिखाएंगे। वैसे हमारी यूनिवर्सिटी के कुछ और भी लोग व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं। एक लड़की है जिसके व्लॉग सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं, लेकिन वो बनाती है इंग्लिश में। तो कुछ मेरी तरह के लोग होते हैं जिन्हें इंग्लिश ज़्यादा समझ नहीं आती, तो मैंने सोचा कि उनके लिए एक व्लॉग बना दिया जाए। बेहतरीन मियाँ साहब, बहुत अच्छा काम है, ये बहुत अच्छा काम है। ताकि हमारी जो जबान है वो कौमी जबान, उसको भी आगे लेके जाना चाहिए। जी, ये नहीं कि सिर्फ गार्ड को, ये हमारे गार्ड को लो भाई। यार मैंने पहले भी लिया शाजी, ये हमारे शाजी, मुझे तो बोलने दे, उसको भी तो ले लो यार। ये शाजी मुझे भी बोलने दे। और यार सारे यूनिवर्सिटी के हम वहां से इंदर, और आज नहीं मैं यार वहां से आता हूँ। और ये हमारा स्टूडेंट कार्ड है, यहाँ पर लगाएं फिर अंदर जाएं, यहाँ से लगे। हम बीएस मीडिया फिल्म एंड टेलीविजन, बीएस मीडिया फिल्म एंड टेलीविजन के स्टूडेंट हैं। एग्जैक्टली, ये हुई ना बात। सही है। सुबह टाइम काफी रश होता है, लेकिन अभी नहीं है। ये साइड पर लिफ्ट वगैरह यहाँ से लोग जाते हैं, और ये बैक पर स्टेयर्स हैं हमारे। अभी हमारे मिड्स चल रहे हैं, इस वजह से ज़्यादा रश नहीं है। हमारा खुद का आज पेपर था 8 बजे, तो हमने अपना पेपर दे दिया। शाजी अब कहाँ पर जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं ऊपर लाइब्रेरी में, फोर्थ फ्लोर पे। फोर्थ फ्लोर पर आपको लाइब्रेरी भी दिखाते हैं कि कैसी है। और ये खड़े हैं सर सैमसन। सर सैमसन, हेलो कर दीजिए। और ये है लाइब्रेरी के का आउटसाइड भी। यहाँ पर हम अपने बैग्स वगैरह रखते हैं। बैग होगा तो आपको लाइब्रेरी के अंदर नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि पता नहीं ये ना कोई ना कोई चीज़ मैं चोरी करके ले जाए। शाहजी आप किधर जा रहे हैं? मैं इधर बैग रख रहा हूँ। शाहजी अपना बैग छुपा कर रख रहे हैं अलग से। एक जगह ये सारे व्लॉग में तो हम ही आ जाएंगे। शाहजी कुछ नहीं होता। और अभी चलते हैं लाइब्रेरी के अंदर। शाहजी वैसे लाइब्रेरी करना क्या? हम सबको दिखाने जा रहे हैं हमारी लाइब्रेरी कितनी अच्छी है। लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी में दो कैफेटेरियाज हैं, एक है रूफ टॉप पर और एक है ग्राउंड फ्लोर पर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ रूफ टॉप वाला। अभी धूप वगैरह है, रात टाइम सही सीन ऑन होता है यहाँ पर। ये देखें रात टाइम काफ़ी हवा वगैरह चलती है यहाँ पर। अच्छा है, सिटिंग इनकी अच्छी सिटिंग है, दिखाता हूँ आपको मैं। और यहाँ पर साथ ही मस्जिद है, अगर किसी ने नमाज वगैरह पढ़नी होती है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर पढ़ लेते हैं। एक इस फ्लोर पर है और एक मेरा ख्याल है फोर्थ फ्लोर है, या मैं आपको भी बता देता हूँ। वहाँ पर लड़कियों के लिए अलहदा जगह बनाई हुई है जहाँ पर लड़कियाँ नमाज वगैरह पढ़ती हैं। और कैंटीन भी दिखा देता हूँ आपको, इतनी देर मेरा ही चेहरा देखें आप। और ये है मेरी बैक साइड पर कैंटीन। अभी मैं आपको उसके बाद दिखाऊंगा ग्राउंड फ्लोर वाला कैफेटेरिया, फिर बास्केटबॉल ग्राउंड है और वहाँ पर जहाँ वो वाली जगह जहाँ पर लड़कियाँ नमाज पढ़ती हैं वो भी दिखाता हूँ। Oh, 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 oh
अब मैं आ गया हूँ बास्केटबॉल ग्राउंड, ये पीछे है बास्केटबॉल ग्राउंड और ये है फुटबॉल ग्राउंड। और जो मैंने आपको जगह दिखाई थी कि जहाँ पर लड़कियाँ नमाज पढ़ती हैं वो ये है इस साइड पर, और एक और जगह है जहाँ पर लड़के नमाज पढ़ते हैं वो भी थर्ड फ्लोर पर है। मैंने अभी आपको बताया था कि फोर्थ फ्लोर पर है ये ग्राउंड वगैरह नहीं, लेकिन जब मैं हूँ नीचे तो ये थर्ड फ्लोर पर है, बास्केटबॉल ग्राउंड है, उसके बाद फुटबॉल ग्राउंड है और नमाज पढ़ने की जगह है। फोर्थ फ्लोर पर लाइब्रेरी है जहाँ पर मैं पहले गया था, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा ग्राउंड कैफेटेरिया। यूनिवर्सिटी में टोटल 11 जो है फ्लोर्स हैं, मतलब ग्राउंड फ्लोर पर। ग्राउंड फ्लोर ये है हमारा ग्राउंड फ्लोर भाई, और ये कैफेटेरिया जो यहाँ पर है वो दिखाता हूँ, और ये है गेम बड़ी, पता नहीं नज़र भी आ रहा हूँ मैं या नहीं आपको, मुझे खुद को वैसे मैं नज़र नहीं आ रहा इस वक्त। ये है पीछे गेम और कैफेटेरिया भी दिखाता हूँ, और ये है डेस्क वगैरह जहाँ पर आकर स्टूडेंट्स वगैरह आकर बैठते हैं। ये है कैफेटेरिया, अभी सारा कुछ भी नहीं है यहाँ पर क्योंकि रमज़ान चल रहा है, इसी वजह से फूड वगैरह नहीं है यहाँ पर, बकाया खाना वगैरह मिलता है, चाय मिल रही है अभी भी बस, और बकाया कैफेटेरिया बंद ही है किस्म का। इस वक्त मैं खड़ा हूँ फैशन डिज़ाइनिंग की जहाँ पर क्लासेस होती हैं ना उस जगह पर, वो शायद मुझे इतना अभी खुद भी नहीं पता, लेकिन लग रहा है यार ये वाली जगह यूनिवर्सिटी की ना मुझे सबसे प्यारी लगी है, यहाँ की आर्ट चेक करने वाली है भाई, मतलब क्या ही बात। सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने भी ये बनाई है, ये देखें और भी दिखाता हूँ आपको। मुझे फैशन डिज़ाइनिंग का इस वजह से लग रहा है क्योंकि यहाँ पर उनसे रिलेटेड चीज़ें पड़ी हुई हैं फैशन डिज़ाइनिंग से, ये देखें आप, और इधर और भी आपको दिखाता हूँ जो फैशन डिज़ाइनिंग करते हैं या करना चाहते हैं उनके लिए ये चीज़ें दस्तयाब, ये देखें। और ये वाला रूम वैसे ही बंद है कि यहाँ पर ये तो दिखाता आपको, और ये स्टेशनरी यहाँ से स्टूडेंट्स अपनी चीज़ें वगैरह लेते हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ प्लेइंग एरिया जहाँ पर स्नोकर पड़ी हुई है, और यूनिवर्सिटी में जिम है, स्विमिंग पूल है, गर्मियों में आप नहा सकते हैं, लड़के और लड़कियों का अलग अलग टाइम होता है। और एक और चीज़ यूनिवर्सिटी की सबसे मशहूर चीज़ और वो ये है सेल्फी मिरर, कोई बंदा अच्छे कपड़े पहन कर आया है यहाँ पर सेल्फी ना ले, ऐसा नहीं हो सकता भाई। स्विमिंग पूल, मुझे ये नहीं पता कि टाइम यार, अभी मैं इसके अंदर नहीं जा सकता जिम और स्विमिंग पूल के अंदर, मतलब उस जगह पर, क्योंकि इस वक्त लड़कियों का टाइम है और मैं बस इंटर होने ही वाला था कि मुझे एक लड़की नजर आई है और वैसे ही मैं बाहर। और अभी मैं आपको यूनिवर्सिटी की उस जगह लिए चलता हूँ जहाँ पर गेम्स वगैरह होती हैं, अभी भी कुछ लोग खेल रहे हैं, आपको दिखाता हूँ। स्नोकर भी पड़ी हुई है अभी, ये देखें खेल रहे हैं भाई, ये मेरी स्नोकर और जहन की गेम चल रही है यहाँ पर, फुल माइंड मास्टर। और ये एक जगह है जहाँ पर बैडमिंटन खेलते हैं, और अभी भी यहाँ पर खेल रहे हैं दो भाई, ये वाली जगह।
भाई की गेम काफ़ी हैवी लग रही है मुझे वैसे। और अच्छा, अगर आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ पूछना हो या कौन कौन से कोर्सेज़ यहाँ पर करवाते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप उसके लिए एक अलहदा वीडियो बना दूँगा। मैं खुद तो एक BS मीडिया फिल्म एंड टेलीविज़न का स्टूडेंट हूँ, उसके रिलेटेड तो मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अगर आप किसी और भी प्रोग्राम के, यहाँ पर कितने प्रोग्राम्स हो रहे हैं पूछना चाहते हैं, कौन कौन सी डिग्री करवा रहे हैं ये, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके लिए एक अलहदा वीडियो बना